हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, आभासी की हकीकत। अब हकीकत उजागर होने लगी है कि हाल के वर्षों में अमूमन हर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन ने किस स्तर पर समाज के सहज आचार विचार को प्रभावित किया है। लगभग चारों तरफ फैल गए सोशल मीडिया ने सामाजिक माहौल को कितना प्रभावित किया है, यह लोगों की समझ और उनके बर्ताव तक में झलकने लगा है। हालात यह है कि वे वयस्क हों या किशोर या फिर बच्चे, आज आधुनिक तकनीकी के इस संसाधन की वजह से समाज ही नहीं परिवार तक से कटते जा रहे हैं और इसके खामियाजा का उन्हें एहसास भी नहीं है। यह समस्या सरकारों की चिंता में भी शुमार नहीं हो पा रही है, जबकि मोबाइल फोन कंप्यूटर के स्क्रीन का दायरा अब जिस तरह बच्चों को भी बुरी तरह चपेट में ले रहा है, उसके संकेत और निष्कर्ष आने वाले वक्त ही बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में कराए गए एक ताज़ा अध्ययन में पाया गया कि बच्चों के भीतर मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिताने की वजह से चिंता के लक्षण बढ़ रहे हैं। 12 से 16 साल के बच्चों और किशोरों के बीच कराए गए इस अध्ययन के मुताबिक, जब किशोर और बच्चों से सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर में गुम रहने की अवधि कम की तो उनके भीतर चिंता के लक्षण कम होते पाए गए। जाहिर है कि पहले छोटे पर्दे की शक्ल में टीवी ने बच्चों के स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने का वक्त खा लिया है, फिर उस पर्दे के हाथ में सिमटने यानी स्मार्टफोन में व्यस्तता ने रही सही कसर पूरी कर दी। इन आधुनिक तकनीक संसाधनों या गैजेटों ने बच्चों और किशोरों के दिमाग को इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया कि उनके पास जीवन के दूसरे पहलुओं पर सोचने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। आँखों और दिमाग के सोचने समझने की समुची प्रक्रिया स्मार्टफोन और कंप्यूटर की स्क्रीन में इस कदर उलझ रही है कि बाकी वैसे मसले सोचने के दायरे से भी पीछे छूट रहे हैं, जो जीवन और भविष्य को गहरे प्रभावित करते हैं। नतीजतन, जब अचानक ही किसी रोज़मर्रा की दूसरी बातों का सामना करना पड़ जाता है, तो बच्चे सहजता से उससे नहीं निपट पाते और इस तरह उनके दिमाग में चिंता घर बनाने लगती है। यह बेवजह नहीं है। आजकल फोन और कंप्यूटर स्क्रीन को ही दुनिया मानने वाले बहुत सारे बच्चे आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में जो काफ़ी तेज तरार होते हैं, लेकिन बहुत छोटी समस्या पैदा हो जाने पर भी आत्मविश्वास के मोर्चे पर खुद को कमज़ोर पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया के अलग अलग मंच अपनी भावनाओं, विचार, यहाँ तक कि समस्याएं साझा करने की सुविधा मुहैया कराते हैं, पर एक आभासी दुनिया में इस व्यस्तता के साथ ही बच्चों की निजी दुनिया सिमटने लगती है। अपने विचारों पर प्रत्यक्ष रूप से समय पर उचित प्रतिक्रिया नहीं होने की वजह से उसके भीतर निराशा के भावों का संचार होता है। अगर समय पर इसकी पहचान करके इससे निपटने की कोशिश नहीं होती, तो यह अवसाद में तब्दील हो जाता है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर व्यस्तता किशोरों में कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर रही है। विडंबना यह है कि जो स्थितियां भावी समाज की जमीन तैयार कर रही हैं, उसमें आई विकृतियां सरकारों और समूची व्यवस्था के लिए चिंता का विषय नहीं बन पा रही हैं। चलिए, तो ये था हमारा मोबाइल और कंप्यूटर की जो बीमारी फैली हुई है उसी से संबंधित।